हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम मॉडलिंग करेंगे, नॉट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। हम केवल मॉडलिंग करेंगे डॉगलेग्स टेल केस की, फिर आगे जाके वीडियो में हम उसको एनालाइज भी करेंगे और डिज़ाइन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डॉगलेग स्टेयर होती कैसी है। कुछ इस टाइप की होती है, एक बार गूगल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप की होती है डॉगलेग स्टेयर, कुछ इस टाइप की। ये हमारी लैंडिंग होती है, ये हमारी फ्लाइट, फिर लैंडिंग, फिर फ्लाइट, फिर लैंडिंग। तो ये हमारा बॉटम हो गया, बॉटम फ्लोर, ये हो गया हमारा ऊपर वाला फ्लोर। तो ये 3 मीटर देखिए, हम दिया हुआ एक फ्लोर की हाइट। तो इस तरह से कुछ होती है। तो हम इसकी मॉडलिंग करते हैं। तो हमारे पास एक ये इमेज है, इसमें देखिए जो लैंडिंग दी है, जिस पर हम स्टेयर से उतरते हैं, चढ़ने के बाद रुकते हैं थोड़ी देर, उसे बोलते हैं हम लैंडिंग। और ये स्टेयर जिसमें आपका थ्रेड और राइज होता है, इसे बोलते हैं फ्लाइट। तो इसमें 1.5 मीटर की लैंडिंग दी हुई है, ऊपर की भी नीचे की भी, और बीच में फ्लाइट है। तो हम इस तरह से कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक मॉडल बना बनाया, इस बार मैंने बना बनाया मॉडल लिया, इससे टाइम ना लगे। तो इस मॉडल में देखिए मैंने क्या क्या, एक बार 3D रूप देखते हैं इसका। ये 5 फ्लोर स्टोर है, और 6th पे आपका ममटी है। ठीक है, ममटी वो होता है जो स्टेयर केस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे पानी ना जाए, फिर उस स्टेयर केस उसके ऊपर ही हम वाटर टैंक रख देते हैं, उसे हम बोलते हैं ममटी। एक बार इसको 3D में अच्छे से देख लेते हैं इस आपको, और इसकी जो ग्रिड है उसको हाइड कर देते हैं। ये हाइड हो गई। और अच्छे से आपको देखना, तो एक तरीका बताता हूँ आपको किसी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखने के लिए। आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे कर देंगे स्टोरीज, और ओके करेंगे, देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। अब ये स्टोरीज वाइज कलर चेंज हो गया इसका, तो अब सही से दिखाई दे रहा है। ये हमारा ममटी है। तो हमें ये जो देखिए प्लान में दिखाता हूँ आपको मैं, डाउन में यहाँ सब जगह स्लैब है, केवल यहाँ स्लैब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टेयर केस चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं करना क्या है, एक बार एलिवेशन देख लेते हैं। ये हमारी यहाँ से, यहाँ मान लीजिए हमारी लैंडिंग होगी, और एक लैंडिंग है 1.5 मीटर 3 मीटर की फ्लोर के हाइट लेते हैं, और ऐसे जाएगा हमारा। फिर हमारी एक लैंडिंग ये होगी, फिर यहाँ से ऐसे स्टेयर जाएगी, फिर एक लैंडिंग यहाँ होगी ऐसे जाएगी, और फिर एक लैंडिंग यहाँ होगी, फिर ऐसे जाएगी। तो इस तरह से हमारी स्टेयर जाएगी। अब देखिए ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक बनाने की आपको बताता हूँ, कहीं नहीं मिलेगी आपको। हम क्या करेंगे, केवल ये स्टेयर बनाएंगे और इसी को हम रेप्लिकेट यानी कॉपी कर देंगे ऊपर तक। ठीक है, तो बड़ा फास्ट तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये 3D हटा देते हैं, काम करने में आसानी होगी। ठीक है, टॉप व्यू पर जाते हैं, प्लान पर, और यहाँ पे करते हैं ओल्ड स्टोरेज। ठीक है, ये किस लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ स्टेयर बनाने केवल वही स्ट्रक्चर सेलेक्ट हो। तो मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किया ये, और बाकी इसलिए नहीं दिखा रहा गया कि 6th फ्लोर पे ममटी का टॉप है केवल, और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए डाउन की से जाऊँगा 5th फ्लोर पर, तो सारा दिखाई देगा। तो मैं 6th पर जाके किया, पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट हो गया हमारा, वो पोर्सन जहाँ हमें स्टेयर बनानी है। अब मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर किया सो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें बनानी है स्टेयर। अब देखिए मैं करना क्या, एक बार और समझा दूँ। हमें यहाँ 1.5 मीटर पे, क्योंकि 3 मीटर का फ्लोर है, यहाँ एक बीम बनाना है, यहाँ से एक स्लैब निकालनी है, फिर उस स्लैब से ऊपर हमारी लिफ्ट हो जाएगी स्टेयर केस ऊपर फ्लोर पर, और एक स्टेयर जाएगी हमारे नीचे से, यहाँ पे हमें बीम बनाना है। ठीक है, एक बार और, एक स्लैब बनेगी आपकी यहाँ पे, एक स्लैब यहाँ 1.5 मीटर पर बनेगी, और यहाँ से एक फ्लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी फ्लाइट, इस तरह से हमारी स्टेयरकेस बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस बीम को नीचे कॉपी किया है 1.5 मीटर पे। तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पे मैंने वाई डायरेक्शन है क्योंकि ये हमारी, तो सॉरी जेड डायरेक्शन है, ये जेड माइनस। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 0 जेड में डाल दिया, -1.5। लेकिन ओके पे ले आ रहा हूँ तो बीम बन रहा है और सभी ऊपर तक, क्योंकि ऑल स्टोरेज सेलेक्ट है,
तो ऊपर तक सब में ऐसे बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना नहीं है तो हम यहाँ इसे कैंसिल करते हैं और वन स्टोरेज करते हैं, तो कंट्रोल वी। अब देखिए मैं माउस यहाँ ले जाता हूँ तो केवल सॉरी क्योंकि सिलेक्ट ऊपर तक है तो दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट किया कॉपी पेस्ट। अब देखिए अब एक ही बनेगा, ठीक है ये बन गया। अब इसको मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे एक स्लैब बनानी है तो उसके लिए एक बीम यहाँ पे भी चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब कब चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, माइनस वाई, और 1.5 मीटर की वृद्धि रखते हैं तो वाई में -1.5। नहीं हो रहा है इससे, कभी कभी इसमें एरर आता है, मैं कई बार कर चुका हूँ। तो ये हमने वाई डाला हुआ है, डायरेक्शन वाई है तब भी उधर भाग रहा है, तो इसको ठीक नहीं करते हम दूसरे तरीके से। कंट्रोल आर आपके पास आता है एक रेप्लिकेट टूल, इसमें देखिए मैं वाई में डाल देता हूँ -1.5 और ओके पे ले आता हूँ तो ये बना देता है, यहाँ ज़्यादा कम डल गई वैल्यू -1.5। दोबारा से करते हैं एक सेकेंड, इसको हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल आर, यहाँ पे वैल्यू डाली -1.5 मीटर, ओके पे ले, अब बन रहा है, क्लिक किया ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ से स्टेयर बना लेते हैं, सॉरी स्लैब, ये बन गई स्लैब, ठीक। अब नीचे हमें इसी तरह से एक स्लैब बनानी है तो पहले तो एक बीम बना लेते हैं, ठीक है। इस बीम को वही हम कंट्रोल आर करके रेप्लिकेट करते हैं प्लस वाई में, क्यों हमें है ना ये ऐसे बनानी है, है ना। तो ये देखिए बन गया, अब यहाँ पे हम स्लैब बना लेते हैं, ये बन गया स्लैब। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों बीम को सेलेक्ट करते हैं और एडिट में जाएंगे, एडिट फ्रेम्स और डिवाइड, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, बीच में से जॉइंट होना है, चाहिए इस तरह से, ओके किया, ये डिवाइड हो चुका है। अब हमने ये वाली स्टेयर स्लैब ली और यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक जॉइंट है हमारा और फिर नीचे एक जॉइंट है और फिर यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया, ये बन चुकी है ना। अब क्या होना है, दोबारा से इस एलिवेशन में देखिए आप, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्लैब निकालनी है और इसको कनेक्ट करना है, तो हमने वही इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल आर और ये जाएगा आपका वाई में, ये बन गया और स्लैब लिया हमने, ये बन गई। अब इस बीम को लेके वही डिवाइड कर देना है, डिवाइड, अब ये स्लैब लिया हमने और इसको भी हमने यहाँ कनेक्ट करके यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये देखिए हमारी एक फ्लोर की स्टेयर बन गई है। अब देखिए एक चीज़ आप, अब हमारी यहाँ से एक स्टेयर जाएगी ऐसे, कहाँ पे, यहाँ पे एक स्लैब होगी और यहाँ से एक स्टेयर जाएगी ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक स्टेयर होगी और फिर ये ऐसे जाएगी, तो सेम हमारा वही पैटर्न है। इस पूरे पैटर्न को अगर हम कॉपी पेस्ट कर दें ऊपर तक, वो कैसे करेंगे देखिए, मैंने क्या किया, इसको इसको स्लैब को सेलेक्ट कर लिया, बीम भी सिलेक्ट कर लिए, और मैं कंट्रोल आ करके गया रेप्लिकेट, ठीक है। रेप्लिकेट में मैंने यहाँ करा स्टोरेज, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर वो बना हुआ, मैं चाहता हूँ सेकंड से लेके सिक्स तक, शिफ्ट दबा के सेकंड फिर सिक्स सारे सेलेक्ट हो गए, और मैं ओके पे ले आता हूँ, देखिए कॉपी पेस्ट आता है, ओके कर देता हूँ उसे, ये देखिए स्टेयर बन चुकी है आपकी, अब फुल स्ट्रक्चर ले आते हैं हम, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ये देखिए आपकी प्रॉपर स्टेयर बन गई है,
एक बार देख लेते हैं, यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड को हटा के यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, फिर ठीक है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ये होती है आपकी स्टेयर। इसका एक बार रेंडर व्यू देखें, व्यू रेंडर, ये देखिए रेंडर व्यू। तो इस तरह से हम डॉगलेग स्टेयर बना सकते हैं। बाद में कहाँ लोड लगाना है, कैसे लोड लगाना है, कैसे डिज़ाइन होगी, वो सब बाद में बात करेंगे। वैसे एक बार देखिए कि आप बिल्कुल सही है। हम अगर मैं बात करूँ यहाँ की, हम इस फ्लोर से हम ऐसे जाएंगे ऊपर, फिर हम यहाँ लैंडिंग पर उतरेंगे, फिर हम ऐसे ऊपर जाके यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे ऊपर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये है आपका स्टेयरकेस। इसके बाद सर्कुलर स्टेयर की वीडियो आएगी, उसके बाद इनके डिज़ाइंस आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले ही मैं बता चुका हूँ, अगर ई टाइप की ज़रूरत नहीं है तो आगे आने वाले सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।